कानाताल के खूबसूरत वादियों के बीच आपको कैंपिंग के कई सारे लोकेशंस मिल जाएंगे। हमें ये कैंप 1300 रुपये पर हेड के हिसाब से मिला, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड था। तो अभी हम लोगों को लंच के लिए बुलाया गया है, देखते हैं क्या मिलता है लंच में। तो हम लोग लंच करने के लिए चल रहे हैं। कानाताल के कुछ कैंप्स आपके डिमांड के हिसाब से आपको लंच प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप वेज या नॉन वेज मंगा सकते हैं। तो ये हमारे लंच का प्लेस है, सेल्फ सर्विस है, और यहाँ पे लंच रखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें रोटी है और इसमें दाल है और ये सलाद है। वैसे हम लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ये टेस्टी दाल और रोटी प्रोवाइड की गई। दाल रोटी खाओ, हरी के गुण गाओ। कितना भर पेटा खाना खा के है? खा तो भर जितना तो रे तू। ये खाओ से पहले तो एक लगे के हर लिखनी जब तक है। हां लेला, प्याज लेला तू। भूख तो लगी ही थी और खाना टेस्टी भी था, तो हम लोगों ने आवश्यकता से अधिक ही खाना खा लिया। खाना बहुत टेस्टी है। खाने के तुरंत बाद हम सुरकुंडा देवी ट्रैकिंग पर गए, जिसे आपने पिछले एपिसोड में देखा। कानाताल कैंप में है वो सामने के पहाड़ी पे माँ सुरकुंडा देवी का टेंपल है कि सामने एक पॉइंट, सबसे टॉप पे जो पॉइंट है जो दिख रहा है वो माता जी का मंदिर है, माता सुरकुंडा देवी का मंदिर है, जहाँ हम लोग आज गए थे। और यहाँ का हाईएस्ट पीक उसको कह सकते हैं, वहाँ से पूरा पहाड़ी दिखाई पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है। कानाताल के खूबसूरत वादियों का असली आनंद रात के समय आता है, जब आप सर्द हवाओं के बीच बैठकर ये बोन फायर का आनंद उठाते हैं। और यदि आपके साथ आपके भाई बंधु या मित्र हैं तो फिर क्या ही पूछना, फिर तो ये जगह आपको हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद जरूर देने वाली है। कानाताल में यही तो मजा है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ भीड़ से काफी अलग अपने में आप खुद में जी सकते हैं। इन सबसे भी सुंदर हो तुम हमारी आरती, मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम। बस इतना है ये इरादा, तुम्हें चाहेंगे खुद से ज्यादा। कैंप की ही तरफ से म्यूजिक सिस्टम भी आपको रात के समय प्रोवाइड की जाती है। बेहतरीन पहाड़ों की खूबसूरती, ये कैंप, ये बोन फायर और ये प्रकृति के बीच हम। बिल्कुल बिल्कुल चल रही है तुम्हारी मर्जी। ये हमारा कैंप है जिसके बाहर हम बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे आग जल रहा है। और ये चारों तरफ का लोकेशन अगर आप हम बात करें तो जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं। एक संदेश आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि आप जब कभी भी इस तरह के खूबसूरत प्लेसेस पर आएं, कुछ समय के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी समस्याओं को छोड़कर, अपने फ़ोन को बंद कर इस प्रकृति को अपने अंदर बसाने की कोशिश करें।